गुड मॉर्निंग यूट्यूब, आई जस्ट वोक अप अभी। आई टेक यू थ्रू द एंटायर डे, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, डाइट, जिम, पढ़ाई, एवरीथिंग। सो लेट्स गो। सो सुबह को फर्स्ट थिंग आई डू इज आई लाइक टू गो ऑन अ वॉक, इसीलिए मैं सुबह सुबह जाता हूँ एंड जो मुझे चीजें चाहिए होता है, लाइक आज के लिए चिकन हो, एग्स हो, जो भी हो, मैं सुबह को ही लेके आता हूँ। तो बिफोर दैट आई हैव अ ब्लैक कॉफी, बिकॉज एक वॉक के पहले ब्लैक कॉफी पीना अच्छा होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फैट लॉस। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई ड्रिंक, अ ब्लैक कॉफी। आई स्टार्ट माई डे इससे, एंड इसके पहले मैंने बहुत सारा पानी पिया एंड नाउ अ ब्लैक कॉफी। तो मैं अभी बाहर आया था, आई टुक हाफ किलो चिकन, ये मैं अपना मेस पे दूंगा बनाने के लिए, ये चिकन ब्रेस्ट है। एंड बाहर अभी मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, तो सामान और कुछ लेना है तो मैं वो लूँगा। एंड यू कैन सी द व्यू, पीछे काफ़ी ख़तरनाक व्यू है, हॉस्टल के कॉरिडोर से कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू है। तो ये मेरा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, ये मेरा हॉस्टल है, जोंगड़ी वॉइस हॉस्टल। तो ये मेरा कैंटीन उर्फ मैस है, यहाँ पे सिक्किम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, ओनली 30 सीट्स है पर हॉस्टल में, इसीलिए यहाँ का मैस बहुत छोटा होता है। एंड ऑल ओवर सिक्किम यूनिवर्सिटी में सिर्फ 285 शायद सीट्स है ऑफ हॉस्टल, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के, तो इसीलिए हॉस्टल्स काफ़ी छोटे छोटे हैं एंड कैपेसिटी ओनली 30 पीपल का है, बिकॉज सिक्किम इज़ अ स्मॉल प्लेस। बना हुआ है, लेट्स सी क्या बना हुआ है, आज बना है आलू का दम एंड फ्राइड राइस, आलू का दम फ्राइड राइस और चटनी बना हुआ है। एंड जो मैं चिकन लाया हूँ अभी, इतना तो करना ही पड़ेगा बिकॉज आई नो हॉस्टल्स में ये सब बनाने का अलाउ नहीं है इन द रूम। मेरे हॉस्टल में सिर्फ इलेक्ट्रिक केटल ही अलाउ है बिकॉज ये सिक्किम है, दूसरे हॉस्टल में तो वो भी अलाउ नहीं है। इसीलिए मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैस मैनेजर है, आई पे हिम थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एंड मैं जो यहाँ पे हमारे कुक है उनको बोलता हूँ चिकन बना देने के लिए, तो वो मेरे को यहाँ पे चिकन बना देता है, चिकन ब्रेस्ट जो मैं लाया हूँ विदाउट ऑयल। तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना बॉडी बिल्डिंग अगर करते हो तो प्रोफेशनली, एंड बिकॉज मैं हूँ इस लाइन पे तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ अपना चिकन बनाता हूँ, चिकन ब्रेस्ट, एंड बाकी जो मेरा एग होता है बॉयल, वो आई मेक इन द इलेक्ट्रिक केटल इन माई रूम। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, इसको मैं नियरली एवरीडे खाता हूँ। यहाँ पे मैं एक होल एग एंड दो व्हाइट खाऊंगा, एंड उसके बाद 50 ग्राम ऑफ ओट्स एंड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, रॉ वे प्रोटीन, बिकॉज सस्ता चाहिए हम लोग को, हॉस्टल में रह रहे हैं तो सस्ता ही ठीक है। तो दिस इज माई ब्रेकफास्ट जो मैं एवरीडे खाता हूँ। सो ये वो चिकन है जो सुबह को मैंने लाया था, हाफ के जी ऑफ चिकन ब्रेस्ट, तो मैंने मेस में उनको बोला एंड कुक ने ये बना दिया मेरे को। नॉर्मली मैं बनाता हूँ, नहीं तो जो कुक है वो बना के देते हैं, इससे ही मेरा जो प्रोटीन कंटेंट है दिन का वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई विल सर्व दिस नाउ, ज़्यादा टाइम भी नहीं मेरे पास। सो दिस इज माई लंच आज का, आज जो सो मैं से बना था फ्राइड राइस, फ्राइड राइस ऑयली होता है काफी, इसलिए मैंने फ्राइड राइस स्किप किया। दो पीसेस ऑफ ब्रेड था तो मैं वही खा रहा हूँ आज लंच के लिए। ये मेरे कार्ब सोर्स, कार्ब्स मैंने अभी कम रखा है बिकॉज मेरा एक इवेंट हरा है, तो मैंने अभी कार्ब्स कम रखा है। विद दिस मील मैं वेजिटेबल्स भी खाता हूँ, बट आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये एक कैरेट है खाली, तो यही खाऊंगा मैं एज द वेजिटेबल ऑफ दिस मील। सो लेट्स गो। सो आई जस्ट कंप्लीटेड माई क्लासेस, 4:30 तक क्लास था, क्लास के बाद मैं अभी 687 स्टेयर्स दौड़ दौड़ के भाग भाग के आया हूँ, एंड मेरा 20 रुपये बचता अगर मैं इस स्टेयर से गया तो, इसलिए मैं एवरीडे ये स्टेयर्स लेता हूँ, मज़ा भी लगता है, थोड़ा कार्डियो हो जाता है, एंड ये अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है यहाँ से। एंड अभी जस्ट ना मैं जिम पहुँचा, जिम के अंदर घुसा भी। सो ये है मेरा जिम, ये है अल्टीमेट फिटनेस। तो अभी जिम के पहले आई हैव वन ब्लैक कॉफ़ी, तो ये लेके आया हूँ मैं एक एल कार्निटाइन का टेबलेट भी खाऊंगा अभी। सो लेट्स गो। जस्ट नाउ मैंने कंप्लीट किया अपना वार्म अप, नाउ आई विल स्टार्ट माय एक्सरसाइज। वार्म अप में ही थोड़ा सा पंप हो गया है, दैट्स व्हाई वार्म अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज, सो लेट्स गो।
सो आई जस्ट केम टू माई रूम, बाहर बारिश दे रहा था, सिक्किम में बहुत बारिश देता है, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया इसलिए बाहर में, एंड ऑल्सो ग्रॉसरी हॉल भी रह गया, तो एनीवेज उसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। मैंने क्या लाया, आई ब्रॉट एक ट्रे अंडा का जो 170 रुपीस लिया, एंड आई ब्रॉट प्याज आधा किलो जो आपका लिया 20 रुपया, एंड आई ब्रॉट फ्रेश बीन जो लिया आधा किलो 50 रुपीस, यहाँ बहुत कॉस्टली है सब्जी, तो बहुत कुछ चीज़ें कॉस्टली है, कुछ चीज़ें चीप है, जो मैंने ही पीता दारू वही यहाँ पे बहुत चीप है, वही यहाँ पे बहुत चीप है। हॉस्टल में एक चीज़ कॉमन बनता है जो है दाल, जो हाई इन प्रोटीन होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वो ज़्यादा पी पाऊँ, एंड नॉर्मली हॉस्टल में आलू का सब्जी बहुत बनता है, मैं वो स्किप करता हूँ, बहुत ऑयली है तो होता है, तो इस पे मेरा ये ढक्कन टूट गया, ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील, 3 अंडा, मैं सुबह को 3 अंडा खाता हूँ एंड शाम को आफ्टर द वर्कआउट 3 अंडा खाता हूँ, बहुत चीप है, एंड जो दाल बना हुआ होता है हॉस्टल का वो दाल, एक बड़ा कटोरा, एंड ऑब्वियसली मेरा ब्लैक कॉफी, एंड आजकल चाय मैं पीता हूँ नॉर्मली बहुत ज्यादा, बट आजकल थोड़ा कम आया बिकॉज बिना चीनी का चाय मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता अभी, एंड दिन का एक कप चाय पीता हूँ बस, एंड यहाँ पे पीनट्स, तो यहाँ पे पीनट्स लिया हुआ है, ये बहुत चीप है, एंड एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन मुझे ऐड करना चाहिए था इस मील पे आफ्टर द जिम, जो मैं नहीं करता बिकॉज ऑब्वियसली वे प्रोटीन इज एक्सपेंसिव एंड मेरे को तो कोई स्पॉन्सर नहीं करता, तो बिकॉज मेरा डाइट बजट में हॉस्टल में रह रहा हूँ इसीलिए मैं वे प्रोटीन स्किप करता हूँ, एंड पीनट्स भी मैं खुद रोस्ट करता हूँ, ये मैं 1 kg पीनट लाता हूँ जो मैं ऊपर मैस में रोस्ट करता हूँ खुद से, तो ये कंपेरेटिवली चीपर है, 150 रुपीज किलो है, तो दिस इज माई पोस्ट वर्कआउट मील, ये मैं खाऊंगा, उसके बाद मेरे को थोड़ा पढ़ाई भी करना है, प्रैक्टिकल्स करना है, 30th से मेरा एग्जाम है, तो अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो आज मैंने रिपोर्ट कार्ड भी दिया, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम का रिपोर्ट कार्ड दिया आज, एंड गाइस हॉस्टल में जो मिल जाए वही सही है, जो भी हॉस्टल में पढ़ते हो आप लोग को पता ही होगा बर्तन मिलता नहीं है, इसीलिए मैंने इसी में अंडा ले लिया, क्या कर रहे हो, और जब फट भी गया है यहाँ पे, तो आज मैंने शोल्डर का एक्सरसाइज किया, तो कैसा लग रहा है बोलिए, तो ये है मेरा डिनर रात का, जो दोपहर को मैंने चिकन लाया था 1/2 किलो, उसमें से आधा मैंने दोपहर को खाया एंड आधा भी रात को खाता हूँ, अभी जस्ट नाउ मैं मेस में गया था, वहां पे जाके मैंने जो कुक है उनको बोला कि थोड़ा गर्म कर देने के लिए मेरा चिकन, तो चिकन को गर्म कर दिया, एंड जो मेस से मैंने राइस लाया था वो राइस को चिकन के साथ ऐसे मिला के गर्म कर दिया, तो ये है मेरा डिनर, हाई इन प्रोटीन मॉडरेट कार्ब्स, इसके साथ मैं एक्चुअली टेकन अ सब्जी ऑल्सो, बट बिकॉज मेरे पास नहीं था, इसके लिए आई विल टेक अ मल्टीविटामिन, 2-3 टैबलेट इसका मैं लूंगा आफ्टर द डिनर, एंड साथ में मैंने लिया है अनियन, एंड ये कुछ चटनी बनाया हुआ था जिंजर गार्लिक का, तो ये मैं खाऊंगा रात को, आई ट्राई कि मेरे पेट में प्रोटीन रहे व्हेन आई स्लीप, इट इज वेरी गुड फॉर द मसल्स, नॉर्मली मैं प्रोटीन पाउडर भी नहीं खाता बिकॉज पैसा नहीं होता, बट अभी एक प्रोटीन पाउडर है मेरे पास रॉ, जो मैंने 800 रुपए से खरीदा है रॉ प्रोटीन पाउडर, वही मैं खा रहा हूँ। ओके एवरीवन, रात के बज रहे अभी 12:30, आई एम वेरी स्लीपी, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल किया अभी, इतना बड़ा नहीं किया बस प्रैक्टिकल किया एंड थोड़ा नोट्स लिखा, जो स्लीप नाउ बहुत नींद आ रहा है, आई एम वेरी टायर्ड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।